हाय गाइस, आप कैसे हो? स्वस्थ हो और मस्त हो, अपने काम में व्यस्त हो? और मैंने सोचा आज मैं एक वीडियो बनाता हूँ। और अभी जा रहे हैं हम धान लगा के। आज मुझे एक ट्रैक्टर दिख गया, बहुत ही पुराना ट्रैक्टर है, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। और हम धान लगा के जा रहे हैं। और आज बारिश हुई थी, काफ़ी अच्छी खासी बारिश हुई थी। और ट्रैक्टर देखना, ये कौन सा ट्रैक्टर है? देखिए ये देखिए ट्रैक्टर, काफ़ी पुराना ट्रैक्टर है। और इसकी आवाज़ देखिए, बहुत ही गजब है। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने सोचा चलो आज मैं वीडियो बना के, बहुत कमेंट आ रहे थे। और हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा धान लगता है, वो देखिए दूर दूर तक तुम्हें धान ही धान दिखेंगे यहाँ पे। और हमारे एक बागेश्वर में धर्मघर में हमारे प्रधान जी हैं केदार मेहरा जी, उनके यहाँ मैं गया था काम करने, तो उनके यहाँ छोटे छोटे खेत थे, बहुत छोटे छोटे खेत थे, कहीं गेहूँ थे ऐसे ही, मतलब ऐसे पहाड़ पे, मतलब डिजाइन की तरह खेत थे। तो वहाँ पर गेहूँ थे, अजीब तरीका के लगे हुए थे, मेड़ें बंधी हुई थी, जैसे यह हम मेड़ें बंधी हुई हैं, तर के ऊपर तर मेड़ें बंधी हुई थी पहाड़ पे। और हमारे यहाँ देखिए केदार मेहरा जी, वीडियो हमारी देखते हो, वो देखिए एकड़ों से एकड़ खेत देखिए, और 6 बीघा के कते एकड़ है, जो है बोलते हैं हजारा, जो हजारियों एकड़ का इलाका है ये। केदार मेहरा जी आप देखते हो, देखो वीडियो तो कमेंट जरूर करना। यह धान ही धान होता है, बहुत ही ज़बरदस्त। और महाराज जी ने अभी मेरे एक वीडियो देखी मैंने, वो मक्का दिखा रहे थे कि हमारे यहाँ मक्का, महाराज जी आपके यहाँ जितनी मक्का लगती है उतनी हमारे यहाँ एक मेड़ पे मक्का होती है, इतनी मक्का लगती है हमारे यहाँ। ये एक मेड़ देख रहे हो ना, ये मेड़ ध्यान से देखो, ये मेड़ बहुत दूर तक है। और मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं केदार मेहरा जी, वीडियो देखें तो कमेंट जरूर करना। मैं इनके यहाँ गया था फोटोग्राफी करने, बड़ा मज़ा आया, बहुत ही खातर पानी गिरी थी। और वहाँ के प्रधान हैं अच्छे खासे, बढ़िया हैं। और बागेश्वर धाम वैसे बाबा भाई हमारे रूट है, उनका ये कहना है, ये क्या कहते हैं, अभी मैंने एक बात सुनी थी बागेश्वर बाबा जी की, क्या कहते हैं कि बागेश्वर धाम आपका बाप का है, आते जाते रहना। ये डायलॉग हमारे यहाँ भूरा सर्वेशा, ये काफ़ी लोग हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा ही मारते हैं। और हमारे यहाँ पूरा, मतलब पूरा देश का गर्व है कि हाँ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और केदार महाराज जी का क्या राय है जरूर कमेंट में बताएं, और कब बुलाते हैं जरूर बताएं। जय हिंद।